अदानींच्या मुद्द्यावरून राहुल गांधींनी हल्लाबोल केलाय, पंतप्रधान मोदी अदानीं विरोधात चौकशी का करत नाहीत असा सवाल त्यांनी विचारला. अदानी आणि मोदींचं नातं काय? राहुल गांधींनी सवाल केलाय. अदानी प्रकरणाची मोदींनी जेपीसी मार्फत चौकशी करावी आणि अदानी आणि भाजपमध्ये आर्थिक हितसंबंध असल्याचं राहुल गांधींनी म्हटलंय. अदानींच्या संस्थेत सेबीचे माजी प्रमुख काय करतात? अदानींना क्लीन चिट दिल्यानंतर एनडीटीव्हीमध्ये कार्यरत ते आहेत. तपास करणाराच अदानींच्या कंपनीत काम करतोय असं देखील राहुल गांधींनी यावेळी बोलताना म्हटलंय. एक बहुत गंभीर मामला उठाया गया है. दो फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में, दुनिया के जो मशहूर फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स हैं, ये गार्डियन न्यूज़पेपर है, इसमें साफ लिखा है जो मोदी लिंक्ड अदानी फैमिली सीक्रेटली इन्वेस्टेड इन ओन शेयर्स डॉक्यूमेंट सजेस्ट. मतलब एक परिवार जो मोदी जी के बहुत करीब है, उसने अपने शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट किया शेयर प्राइस को इन्फ्लेट करने के लिए. दूसरा, यहाँ फाइनेंशियल टाइम्स अखबार है, इसमें लिखा है हिडन इन्वेस्टर्स एंड अ सीक्रेट पेपर ट्रेल. और ये गार्डियन की अंदर का पेज है, वेल्थी इंडियन फैमिली विद लिंक्स टू मोदी इन्वेस्टेड इन ओन शेयर्स. मतलब $1 billion हिंदुस्तान से अदानी जी की कंपनी के नेटवर्क के थ्रू अलग अलग देशों में गया और फिर वापस आया. इंटरनेशनल मामला है, स्टॉक मार्केट को इन्फ्लेट किया जा रहा है और उस इन्फ्लेट करने के बाद उससे हिंदुस्तान के एसेट्स खरीदे जा रहे हैं. तो सवाल ये उठता है, इसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, शांत क्यों हैं? यहां पे फॉरेन न्यूज़पेपर ने साफ कहा है वेल्थी इंडियन फैमिली विद लिंक्स टू मोदी. मतलब अखबार कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का अदानी जी का रिश्ता है. सवाल उठता है क्या रिश्ता है? तो सबसे पहले सवाल उठता है, ये जो पैसा यूज किया जा रहा है ये किसका है? ये अदानी जी का है या ये किसी और का है? और अगर किसी और का है तो वो किसका है? ये सबसे पहला सवाल है. दूसरा सवाल है कि इस काम को करने के लिए मास्टरमाइंड विनोद अदानी जी हैं, जो उनके भाई हैं, गौतम अदानी जी के भाई हैं, मगर उनके साथ उनके दो बिजनेस पार्टनर और हैं. एक का नाम नासिर अली शबान अली और दूसरा चैंग चुंग लिंग चाइना का है. $1 billion यहां से जा रहा है, स्टॉक प्राइस इन्फ्लेट की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट्स खरीदे जा रहे हैं. जिसने इन्वेस्टिगेशन किया उसको अदानी जी ने मतलब अपनी कंपनी में नौकरी दे दी. तो ये हिंदुस्तान की इमेज को डैमेज कर रहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री को एकदम एक्शन लेना चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ, हम जेपीसी लागू करेंगे, जेपीसी इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन होगा अदानी जी का. थैंक यू. और तीसरा सवाल, जो सेबी का इन्वेस्टिगेशन हुआ था जिसने क्लीन चिट दी, जिस व्यक्ति ने इन्वेस्टिगेशन किया और जिसने क्लीन चिट दी, आज वो अदानी जी का जो चैनल है एनडीटीवी उसका डायरेक्टर है. तो मतलब ये एक नेटवर्क है, इसमें आपको इंस्टीट्यूशनल कैप्चर दिख रहा है. सेबी का चेयरमैन क्लीन चिट देता है और उसके एकदम बाद अदानी जी की कंपनी में डायरेक्टर बन जाता है.